जय बिहान। दीदी का करत हो? दीदी मैं यहाँ अजोला गढ़ा बर बनाया था अपन खेत बर डाले ला। ये तो बताओ दीदी, अजोला के का फायदा है बताते तो नहीं जान ली। दीदी अजोला से फायदा ये होवेल कि हम अपन धान खेत ला डालन तो धान में ताकतवर मिले धान के, और दूसरा घास नहीं होवे दही, और ये दूसरा काम तो ये जानवर लोग गाय भैंस के भी खिलावे तो ये दूध ज़्यादा देवे। अजोला कैसे बनेबे दीदी? अजोला गढ़ा बनाए बरला दीदी, 6 फीट के लंबाई कोढ़ूँ गढ़ा, 3 फीट चौड़ाई रही और 1 फीट के गढ़ा रही। अजोला तैयार करे में का का लागे दीदी? अजोला बनाए बर दीदी प्लास्टिक रही और गोबर रही, दीमक के मिट्टी रही और पानी रही और अजोला रही। दीदी अजोला गढ़ा कहाँ पर तैयार हो? दीदी अजोला गढ़ा छाँव में होवे ला चाहिए, पेड़ ओड़ के नीचे छाँव में, और पानी हमेशा वहाँ रहे ला चाहिए कि पानी के चलते अजोला जिंदा रही हमेशा, नहीं तो धूप में वो मर जाही, एक चलते छाँव में वो रही। दीदी आज मैं अजोला गढ़ा बना था चला आज ये जगह साथ में अजोला गढ़ा बनाए। दीदी अभी हमें 6 फीट के लंबाई नापब, यहाँ से 6 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट चौड़ाई और 1 फीट गढ़ाई खोदब। दीदी गढ़ा बनाते समय ये ध्यान देला बहन कि चारों तरफ बराबर होवे ला चाहिए और नीचे जमीन समतल होना चाहिए ताकि प्लास्टिक बढ़िया से बिछ जाए। यहाँ दीदी अभी गढ़ा तैयार हो गए, ले में चला आप प्लास्टिक बिछा दे। दीदी अब प्लास्टिक अच्छा से बिछा दिली, अब चला इसमें पानी लान के डाले। दीदी अब इसमें पानी हो गिले, अब एकरा में गोबर मिलावे के बाद गोबर के हमें बढ़िया अच्छा से घोर देव। दीदी अब इसमें दीमक मिट्टी मिलाए रहे, दीदी अब इसमें अजोला डाल देवे बरबा। दीदी कितना दिन में अजोला तैयार हुई? दीदी इतना सा अजोला में हमारे खेत में हो जाए? दीदी इतना अजोला में नहीं हुई, मतलब 8 दिन में ही अजोला पूरा गढ़ा भर जाए, एकर बाद ले जाके हम अपन खेत में डाल दे तो डाल दे, एकर में थोड़ा सा छोड़ दे ताकि ये हमें फिर से रहे। दीदी अजोला बारे सिखा दिले, मैं सीख गई लो दीदी, धन्यवाद।